हेलो फ्रेंड्स, रूबीज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक दाल। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल है और खाने में भी बहुत टेस्टी और यम्मी और हेल्थी भी है। पालक दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप अरहर का दाल अच्छे से धो के ले लिया है। अब हम इसमें बारीक कटी हुई पालक डाल देंगे। 1 टीस्पून के आसपास हम इसमें नमक डाल देंगे। 1 टीस्पून के आसपास हल्दी डाल देंगे। ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल देंगे। इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। हम 5 सीटी में इसे पका लेंगे। यहाँ मैंने 4 टीस्पून के आसपास ऑयल ले लिया है। हमारी कढ़ाई और तेल दोनों ही गर्म हो गया है। 1 टीस्पून के आसपास राई डाल देंगे और 1 टीस्पून के आसपास जीरा डाल देंगे और 4 लौंग डाल देंगे। 2 इलायची डाल देंगे। 1/2 टीस्पून के आसपास शाहजीरा डाल देंगे। 1 बड़ा सा दालचीनी डाल देंगे। हम इसे अच्छी तरह गर्म होने छोड़ देंगे। यहाँ हमारा स्पाइसेस अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा मीडियम साइज का प्याज लिया हुआ है। प्याज को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसे अच्छी तरह भून लें। यह हमारा प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह भून गया। अब मैं यहाँ पर 1 टीस्पून के आस धनिया पाउडर डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून के आस लाल मिर्च पाउडर डाल और 1 टीस्पून के आसपास थोड़ा गरम मसाला डाल। इन सब को हम अच्छी तरह भून लें। याद रहे इस वक्त हमारा फ्लेम लो फ्लेम में होना चाहिए। हमारा मसाला नहीं जलना चाहिए। इसमें ड्राई चिली इसे भी मसाले के साथ अच्छे से भून लें। अब हम इसमें बारीक कटी हुई टमाटर डाल टमाटर को हम अच्छी तरह गला। 1/2 कप पानी डाल के हम ये टमाटर को अच्छी तरह से पका। और टमाटर अच्छी तरह से गल गया है और मसाले अच्छी तरह से। यहाँ पर हमारी दाल और पालक भी अच्छी तरह से गल गया है। हमारे इस तड़के में इस दाल को डाल देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले अच्छी तरह से दाल में या हमारी दाल मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो गई है और एक उबाला भी आ रहा है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ या हमारी दाल को और हेल्थी और टेस्टी बनाने के लिए घी ऐड कर 1 टीस्पून। अब हम इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा घी दाल में अच्छी तरह मिक्स। फ्रेंड्स, यहाँ हमारी दाल है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी पालक दाल रेडी हो गई है। बहुत ही टेस्टी और यम्मी है और हेल्थी भी है। आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए। ओके बाय फ्रेंड, फिर मिलेंगे अगले रेसिपी के साथ में।